हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। कहा गया मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। एक फैमिली फोटो खींचा गया, उसमें एक माँ, एक बेटा और एक पिता, तीनों लोग एक लाइन में खड़े हुए। तब दो इवेंट बनाए गए, एक इवेंट बोला गया ई, सन ऑन वन एंड, मतलब ये फिक्स है ई इवेंट में बेटा एक साइड पर रहेगा, लेफ्ट पर या राइट पर, किसी भी एक एंड पर। एफ फादर इन द मिडल, फादर कहां होगा बच्चों? बीच में खड़ा, मिडल में खड़ा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस के लिए बात करते हैं, मान लिया फादर को हमने एफ, मदर को हमने एम और सन को हमने एस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? देखो हो सकता है फादर खड़े हो एक एम पर स्टार्टिंग में, फिर मदर बीच में आ जाए और सन लास्ट में आ जाए, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है फादर तो रहे स्टार्टिंग में ही लेकिन सन सेकंड पर आ जाए, मदर लास्ट में आ जाए, पॉसिबिलिटी है। दो आउटकम, फादर की फर्स्ट लोकेशन फिक्स। अगली बात, हो सकता है सन पहले एंड पर हो, फादर मिडिल में हो, मदर लास्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि सन हो पहले एंड पर, मदर मिडिल में हो और फादर हो दूसरे एंड पर। हमने क्या किया, फर्स्ट एंड पर पहले फादर को फिक्स कर दिया, अब फर्स्ट एंड पर सन को फिक्स कर दिया। एक बार फर्स्ट एंड पर मदर को फिक्स कर दो, मदर स्टार्टिंग में, फादर सेकंड पर, सन थर्ड पर। फिर हो सकता है मदर तो फर्स्ट पर ही हो, फादर लास्ट पर आ जाए और सेकंड पर आ जाए सन, सेकंड पर आ जाए, पॉसिबिलिटी। मतलब ये हमारे पॉसिबल आउटकम। समझ में आपको, एक बार फादर की लोकेशन फिक्स कर दी, एक बार सन की, एक बार मदर। अब ई इवेंट क्या है? ई इवेंट कहता है सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पर हो। यहां पर सन एंड पर आया है, ठीक है, यहां पर भी सन एक एंड पर आया, ठीक है, यहां पर भी सन एक एंड पर है, यहां पर भी सन एक एंड पर। मतलब ई इवेंट के चार आउटकम कौन कौन? एफ एम एस, एस एफ एम, एस एम एफ, एम एफ एस। हर बार सन एक एंड पर, लेफ्ट पर या राइट पर। एफ इवेंट क्या है? एफ करें फादर इन द मिडिल, पिताजी बीच में खड़े हैं, पिताजी बीच में सिर्फ दो जगह पर, यहां पर है और यहां पर, पिताजी बीच में यहां पर है और यहां पर है, इसके अलावा पिताजी बीच में कहीं पर भी नहीं, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब E by F निकालने के लिए उनका इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी कि E इंटरसेक्शन F निकाल लो, दोनों में कॉमन क्या है? देखो SFM, SFM ये कॉमन वाली बात है, MFS, MFS ये वाली बात कॉमन, मतलब हमारे पास SMF और MFS ये दो इवेंट कॉमन, ये दो सैंपल स्पेस कॉमन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल, देखो E इंटरसेक्शन F में दो एलिमेंट, टोटल कितने बच्चों? छह एलिमेंट, तो E इंटरसेक्शन F की 2/6, क्लियर? कैसे निकाला? दो एलिमेंट है कॉमन और टोटल कितने? 6, अपॉन F की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों? F में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, कितने में से? 6 में से, तो 2/6, तो 2/6 और 2/6 करके आंसर आया 1। ये E बाई F हमारा निकल के आया। बस इस क्वेश्चन में बच्चों मेन थे सैंपल स्पेस।